नमस्कार आई एन एस ट्वेंटी फोर इंटू सेवन की खास पेशकश तेईस की परिक्रमा में आपका स्वागत है आज हम हैं महासमुंद विधानसभा की सीट पर आज हम महासमुंद विधानसभा के क्षेत्रवासियों से जानेंगे कि वे अपने विधायक के कार्यकाल से कितने खुश हैं वर्तमान में यहाँ के विधायक और संसदीय सचिव विनोद सेवनलाल चंद्राकर हैं जिनका कार्यकाल काफ़ी चुनौतियों भरा रहा है खासकर क्योंकि यह सीट जो है कृषि क्रिश, बाहुल्य सीट है सबसे ज़्यादा किसान इस विधानसभा में आते हैं और क्योंकि यह सरकार की प्राथमिकता में कृषि भी है खासकर गोठान है तो देखना होगा कि कितने खुश हैं यहाँ के किसान और क्या सोचते हैं अपने विधायक को लेकर महासमुंद विधानसभा सीट को कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा है विधानसभा सीट पर एक मतदाता हैं। सीट के जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ आदिवासी समाज की तादाद ज्यादा है उसके बाद साहू और कुर्मी समाज की बारी आती है इसके बावजूद अभी तक साहू समाज का प्रत्याशी चुनाव जीतने में सफल नहीं हो पाया आजादी के बाद से इस सीट पर अब तक कांग्रेस को ही ज्यादा सफलता मिल पाई है कांग्रेस की अंदरूनी कला के कारण 2003 में बीजेपी के पूनम चंद्राकर और 2013 में निर्दलीय के तौर पर डॉक्टर विमल चोपड़ा चुने गए उस चुनाव में विमल चोपड़ा को सैतालीस वोट मिले तो कांग्रेस से अग्नि चंद्राकर को बयालीस वोट मिले इस तरह विमल चोपड़ा ने अपने प्रतिद्वंदी को 4,722 मतों से हराया महासमुंद की राजनीति में अग्नि चंद्राकर को पिता माह का दर्जा हासिल है अग्नि चंद्राकर तीन बार इस सीट से नेतृत्व कर चुके हैं साथ ही तीन बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा वर्तमान में अग्नि चंद्राकर बीज निगम के अध्यक्ष हैं साल 2018 के विधानसभा चुनाव में ये सीट एक बार फिर कांग्रेस की झोली में आई कांग्रेस के विनोद सेवनलाल चंद्राकर ने भाजपा के पूनम चंद्राकर को तेईस हजार ऐसी अधिक वोटों से परास्त कर कांग्रेस का जलवा कायम रखा और कांग्रेस की सरकार आने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विनोद चंद्राकर को स्वास्थ्य विभाग के संसदीय सचिव की जिम्मेदारी भी दी जिम्मेदारी मिलने के बाद से विनोद सेवनलाल चंद्राकर पूरे क्षेत्र में सक्रिय है उनकी सक्रियता का लाभ भी उन्हें कांग्रेस और क्षेत्र की जनता को मिल रहा है महासमुंद के मतदाता मानते हैं कि प्रदेश सरकार और विधायक का कामकाज बढ़िया है जनता को किसी प्रकार की समस्या नहीं है जनता की शिकायतों का निराकरण हो रहा है खासकर किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी हुई है अब जनता पीछे अब ऐसे अब ठीक है काम है अब हम कभी मौका नहीं मिले नहीं उनके पास जाए के ना बोले के बताए के चल रहा है गाड़ी चलते बहुत अच्छा खुशन और हमारे बिटाई रोड में आवत जावत वो मिलते और जन जन से भी मतलब जय जोहर नमस्ते करते थे सर मकान के बारे में जो फार्म भरना वो कम से कम सात आठ बार फार्म भर चुका हूँ मेरा मकान अभी तक पास नहीं हुआ क्यों नहीं दे रहे हैं मकान आपको पता नहीं पट्टा सब चीज़ है उसके बाद विधायक के पास तो नहीं गए तो नगर पालिका में कई बार फार्म जमा कर चुका हूँ कार्यकाल है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ओकर कार्यकाल बहुत अच्छा है किसान मन भर वो काफी कार्य कर चुके हैं और तो जो भी है है किसान किसान के मांग वांग जो भी वो कर क्षेत्र की समस्याओं को लेकर क्षेत्र के लोगों का कहना है कि शराबबंदी पर सरकार को जोर देना चाहिए इसके अलावा आवास योजना का लाभ लेने के लिए नगर पालिका का चक्कर काटना पड़ रहा है अभी हम खड़े हैं महासमुंद बस स्टैंड में यहाँ पर जो फुटकर व्यापारी हैं वे क्या राय रखते हैं अपने विधायक के बारे में 2023 को लेकर उनकी क्या सोच है हम उनसे ही बात करने की कोशिश करते हैं आप यहाँ बस स्टैंड में कितने साल से लगा रहे ठेला भैया मैं बीस साल से हो गए अभी वर्तमान विधायक है विनोद चंद्राकर जी कैसा उनका कार्यकाल सही ठीक ठाक है कार्यकाल लाभ मिल रहा शासन की योजनाओं का दिला रहे? हाँ हाँ दिला रहे हैं क्या क्या लाभ मिला आपको ये ठेला वगैरह दिला रहे हैं हमको तो अभी तक का कोई नहीं मिला है लाभ उससे ये ठेला जो दे रहे हैं महिला लोगों के लिए बस वही लाभ है, राशन, पर... मिलता है आप। आ, राशन मिलता है वो तो है मिल रहा है तो विधायक को कितने नंबर देंगे काम काज को लेके देंगे अब जैसा भी है देख के आगे उन्हीं को चुनने की तैयारी है तैयारी तो चल ही रहे सही नहीं है सिर्फ शराब बिकना है इधर से उधर और कुछ नहीं है सरकार ने शराबबंदी का वादा किया था क्या शराब कोचे पे कार्रवाई हो रही है कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है सब खुलेआम शराब बिक रहे हैं शहर में मोहल्ले में गली में क्यों किसी का संरक्षण है विधायक का संरक्षण है खुलेआम कैसा है काम काज विधायक का विधायक महोदय की कार्यशैली बहुत अच्छी बहुत अच्छे अपने कर्तव्यों को निभा रहे हैं वो क्या बड़े काम किए उन्होंने महासमुंद के लिए जो लोगों के लिए लाभदायक हैं अब हर एक कार्यों में उनका दक्षता अच्छे कार्य जो आपको लग रहे हैं कि होने थे और अभी इनके कार्यकाल में ओवर एकदम विकास बढ़िया किए साहब लोग मंत्री जी बहुत अच्छे हैं यहाँ के विधायक से इसको लेकर आप क्या रह रहे और यहाँ के जो हमारी राशि महिलांग हमारी बड़ी बहन सबाना बेगम जी जो अध्यक्ष वो भी बहुत अच्छे है और त्रिभुवन महिलांग जी सब बहुत अच्छे सब लिए करते गरीबों के लिए मसीहा है प्रतिक्रिया है कुछ लोग विधायक से खुश हैं कुछ नाखुश हैं और 2023 को लोग अपना मत किसे देते हैं यह तो उस समय ही पता चलेगा अभी हम हैं महासमुंद के प्राचीन महामाया मंदिर में इस मंदिर की महत्ता अपनी है काफी संख्या में भक्त यहाँ पर आते हैं और आसपास के भी जो लोग हैं वे भी यहाँ पर आते हैं मंदिर के मंदिर के जीर्णोद्धार से लेकर अन्य कार्य को लेकर जो है शासन की ओर से क्या सहयोग मिलता है मंदिर के पुजारी हैं मंदिर के पदाधिकारी हैं समिति के वे भी हमारे साथ उनसे जानने की कोशिश करते हैं ये मंदिर काफ़ी पुराना है प्राचीन भी है काफ़ी संख्या में भक्त आते हैं कितनी सुविधाएं आप लोग जुटा पाए हैं मंदिर को लेकर मंदिर के लोग बहुत सुविधाएं और कुछ चाहते होंगे शासन से विधायक जी से हाँ अपेक्षा रखते हैं ना बहुत ही साफ सफाई और कुछ कार्यक्रम में साथ दें पिछले चार सालों में कितना उनसे सहयोग मिल पाया है खासकर यहाँ के जो है व्यवस्था को लेकर साफ़ सफाई कुछ कुछ मिल पाया है बाकी तो वो अपेक्षा रखते हैं बाकी नहीं हो पाया है आप भी कुछ चाहते होंगे कि प्राचीन मंदिर है महत्ता इसकी बड़े दूर तक के ख्याति जाए तो किस प्रकार से सहयोग मिल रहा शासन से विधायक से मंदिर से मतलब अच्छा साफ सफाई तालाब का भी और मंदिर का भी अभी अच्छा विकास नहीं हो पा हो पाया है और विधायक से तो हमारे कोई सहयोग ही नहीं मिला अभी तक हाँ ना बोलते नो हैं यात्रा में कितने यहाँ पर भक्तगण जुटते हैं बहुत भक्त आते हैं नवरात्रि में दोनों दो, काफ़ी भीड़ रहता है कहीं ना कहीं जो फंड की कमी से जुटते हैं समिति के लोग हैं आप भी समिति के पदाधिकारी हैं क्या चाहते हैं विधायक जी से विधायक जी से चाहते हैं कि जैसा ये नया मंदिर जो बन रहा है ऊपर से ऐसा डोम बन जाए उनके लिए वो न, उन्होंने हमको बोला भी था कि अपन इस पर डोम बनवाएंगे करके अभी तक ऐसा कुछ उनसे सहयोग नहीं मिला है तो दोबारा आप लोग मिले होंगे उनसे निवेदन किए नि, 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 निवेदन किए थे लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है काफी धार्मिक प्रवृत्ति के हैं उसके बावजूद कुछ सहयोग नहीं कर पा रहे हैं आप लोग को क्या कारण पता नहीं भी उनकी क्या ये है मनसा है लेकिन आते तो थे अब बहुत कम आ रहे पहले तो डेली आते थे और अब ज़्यादा नहीं आ रहे हैं निश्चित रूप से प्राचीन धरोहर को सहेजने की ज़रूरत है और इस मंदिर की महत्ता अपनी है क्योंकि सौ साल से भी अधिक यह पुराना मंदिर है और जैसा सहयोग एम साहब से इस मंदिर के पदाधिकारियों को मंदिर के समिति को मिलना था वैसा सहयोग जो है नहीं मिल पा रहा अभी हम महासमुंद विधानसभा के कनेकेरा गांव के शेर केंद्र में है जहां पर धान खरीदी का, का धान खरीदी का कार्यक्रम चल रहा है यहां पर जो है किसान जो है बेबाक तरीके से अपने धान बेच रहे हैं किसी को किस प्रकार की समस्या है क्या क्या उन्हें तकलीफें हैं ये भी हम जानने की कोशिश करते हैं आप भी यहाँ धान बेचने आए हैं कहाँ से आए धान बेचने सर से कितना धान बेचे एक सौ दस क्विंटल किसी प्रकार की कोई तकलीफ हुई नहीं, है नहीं, कोई तकलीफ नहीं है पैसे ऐसे आ रहे खाते में हाँ बिल्कुल अभी पहले बार बेचाऊ ना मैं तो पैसे की बात तो जानकारी में नहीं है लेकिन जहाँ तक किसान बता रहे हैं कि सही सटा रहे हैं पैसा जो है बारदाने वगैरह की दिक्कत रहती थी इस बार कुछ कोई नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है तो आप भी आए हैं धान बेचने के लिए कोई समस्या हुई है नहीं नहीं कोई समस्या नहीं हुई कितना धान बेचा मेरा 29 कुंटल बिका है पैसा मिला है समय पैसा तो आज कांटा किए हैं और एक दिन बाद तीसरे दिन में पैसा आ गया खाते में ये ज्यादा तौलाई किसी भी शिकायत रहती थी ऐसी कोई समस्या हुई नहीं, नहीं।

आज चार साल हो गया नगर पालिका के लिए एक फूटी कौड़ी नहीं भेजे कांग्रेस की सरकार है और बार बार दावा करते हैं कि हम एक हैं एक है। आप देखोगे तो महासमुंद में जीरो बटा सनाटा है महासमुंद विधानसभा क्षेत्र की अगर विशेष तौर पे बात की जाए तो पिछले 20 साल का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो क्षेत्र का सर्वांगीण विकास अगर किसी ने कराया तो माननीय डॉक्टर विमल चोपड़ा ने कराया है और आने वाले 2023 के चुनाव में दिख जाएगा विमल चोपड़ा तय है दस हजार वोट से चुनाव जीत के आएंगे विमल चोपड़ा होंगे प्रत्याशी भाजपा के उसे? बिल्कुल विमल चोपड़ा ही प्रत्याशी होंगे क्या आप भी हैं विमल चोपड़ा ही प्रत्याशी ये जनता की मांग है मानी डॉक्टर विमल चोपड़ा जी ही लोगों की एक वो बना हुआ है कि लोग सिर्फ डॉक्टर विमल चोपड़ा को ही टारगेट कर रहे हैं कि ये भाजपा का कैंडिडेट हो और इसके अगर कोई दूसरा हो तो फिर भी सोचेंगे लेकिन डॉक्टर मानी डॉक्टर विधायक विमल चोपड़ा जी को लोग इतने ज्यादा वो वो कर रहे हैं कि टिकट इन्हीं को मिले कांग्रेस के पूर्व विधायक मान्य अग्निचंद्राकर ने इस बात को उठाया था तो उनको मुंह बंद करने के लिए उनको बीज निगम का अध्यक्ष बनाया गया यहाँ पे शराब माफिया रेत माफिया गुड़ाखू माफिया ऐसे अनेक माफिया हैं राजस्व माफिया तहसील में आज तक जो आवाज़ बनना था भूपेश बघेल जी की जी सरकार आने के बाद ढाई लाख आवास का पैसा नरेंद्र मोदी जी ने छत्तीसगढ़ सरकार को दिया और उस पैसे के यहाँ यूटिलाइज़ नहीं हुआ और इस पैसे को सरकार ने वापस कर दिया अब हमारा भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा है कि आप हमारा मुख्यमंत्री बनाइए और आपको यहाँ दूसरे दिन से आवास योजना आवास योजना चालू हो जाएगी और छः महीने के अंदर ढाई लाख आवास पूरे छत्तीसगढ़ में बनेंगे ऐसे हमारे भाजपा के उच्च नेता बोल रहे हैं और उसके उसी दम पर उसी दम पर हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे छत्तीसगढ़ में बनेगी और चारों विधानसभा तो सीट हम जीत के आएंगे हिंदुत्ववाद के नाम पे तो चुनाव लड़ा जाएगा उसमें कोई दो मत की बात नहीं है कांग्रेस हमेशा से हिंदुओं का दोहन करते आ रहा है और इस मुद्दे पर हम अच्छे से चुनाव लड़ेंगे और मैं बात करूंगा स्किल डेवलपमेंट की तो स्किल का जितना भी मामला था आज छत्तीसगढ़ सरकार ने उसको बंद कर दिया है लोगों को जो योजना के माध्यम से सुविधाएँ मिलती थी वो भी सुविधाएँ आज ढप यहाँ पर जो है कांग्रेसी एकजुट है हम उनसे ही बात करने की कोशिश करते हैं आज स्थापना दिवस भी आप लोगों ने फिर से से संकल्प लिया है 2023 में वापस आएंगे आएंगे किस तरीके से आएंगे, क्या मुद्दे होंगे देखिए मुद्दे तो अभी भाजपा के पास कोई मुद्दे नहीं है हमारे कांग्रेस ने इतने बढ़िया काम किए छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने इतने बढ़िया शासन की योजनाएं आप देख लीजिए वो फलीभूत कर जो अंतिम छोर के व्यक्ति हैं उन तक अगर लाभ मिल रहा है तो हमारे पास ये सबसे बड़ी है कि हमारे जो शासन की योजनाएं हैं चाहे आप उसको आ, किसान न्याय योजना लें चाहे मजदूर न्याय योजना लें चाहे गोधन न्याय योजना लें चाहे तेंदुपत्ता संग्रहण के लोगों को ज़्यादा रेट मिलने की बात कहें चाहे महिलाओं को सबल बनाने की बात कहें तो इन सब योजनाओं को लेकर हमको क्षेत्र में अगर जब हम जाते हैं तो लोग हमारे बोलने से पहले ही कहते हैं कि इस बार तो सरकार आपकी रिपीट है और इस बार शासन ने और सरकार ने जो काम की है वो किसी सरकार ने नहीं की है और हम पूरे दावे के साथ कह सकते हैं कि इस बार छत्तीसगढ़ में फिर से कांग्रेस की सरकार है। सारी विधानसभा में हमारे फिर से कांग्रेस के विधायक बनेंगे और छत्तीसगढ़ में सरकार जो अभी काम कर रही है इससे बढ़ चढ़ कर काम करेगी ये भाजपा कह रही है कि महासमुंद में जो है अवैध रेत और अवैध शराब का जो मामला है वह काफी तेजी से बढ़ रहा है और जो है सब संरक्षण में ही चल रहा है मैंने यही बात आपसे कही है कि भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है वो सिर्फ कुरेदने का काम करते हैं जिस तरह से खिसियानी किस्यानी खम्बा नोचे वो छोटी छोटी बातों को लेते हैं अगर शराबबंदी की बात अगर भाजपा करती है तो पंद्रह साल तक उनकी सरकार थी उस समय ये सब सोए हुए थे कि उस समय उनको जागना चाहिए था और शराबबंदी के लिए बात उठानी चाहिए थी आज बात करते हैं कि महिलाओं को तकलीफ हो रही है तो आपको उस समय क्यों नहीं बात उठाए आज छोटी छोटी बातों को लेकर के मैं समझती कि काम चल रहा है तो थोड़ी बहुत कुछ होती है क्योंकि काम करने वालों से ही गलती होती है उसके बावजूद अगर इस बातों को लेकर के मुद्दा नहीं बनाना चाहिए बल्कि उनको शासन ने बहुत अच्छे कार्य कर रही है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश भैया बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उनके हाथ से हाथ मिलाकर काम करना चाहिए स्थानीय स्तर पर तो यहाँ पर जो मेले हैं विनोद चंद्राकर जी उनका आए दिन देखोगे कि रेती का काम रेत का उत्खनन अवैध समस्त ग्रामीण क्षेत्रों के रोड उखड़ गए हैं शराब माफिया और गुटखा माफिया ये सब माफिया राज जैसा काम चल रहा है किसी भी प्रकार का इस क्षेत्र में विकास कार्य तो दिखता नहीं है महासमुंद शहर में अनेक मुद्दे हैं सबसे पहला मुद्दा मैं आपको अभी बताया कि महासमुंद शहर में जो विधायक है एम एल जो महासमुंद के हैं सत्ताधारी के हैं उनका विरोध ही सबसे बड़ा जीत का रास्ता है महासमुंद शहर में और महासमुंद में किसी भी प्रकार का विकास कार्य नहीं दिखता शहर के अंदर अपन आते हैं तो जितने भी कार्य हुए हैं वो चौदह वित्त भीत, पंद्रहवें वित्त सेंट्रल की योजनाओं से आज जैसे आवास के लिए लोग दर दर भटक रहे हैं आवास नहीं मिल पा रहे ऐसे मुद्दे रहेंगे किसान की जहाँ तक बात है किसान भी उतने खुश नहीं है यहाँ और एक वर्ग से ही नहीं हो पाएगा क्योंकि चीट पट कंपनी ये समस्त कर्मचारी कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रहा है नियमितीकरण की मांग ऐसे अनेक मुद्दे हैं जो विधानसभा में हावी रहेंगे महासमुंद। कांग्रेस विधायक विनोद सेवन चंद्राकर के अलावा कांग्रेस की झोली में नगर पालिका परिषद भी है महासमुंद नगर पालिका में राशि त्रिभुवन महलांग जो है वे हैं नगर पालिका अध्यक्ष और वे आज जो है विभिन्न वार्डो का भ्रमण कर रही है जनता से उनकी समस्याएं सुन रही है उनका निराकरण मौके पर भी कर रही है और हम उनसे ही बात करने की कोशिश करते हैं मैडम आज वार्ड भ्रमण पर निकले हैं किस प्रकार की समस्या बता रही है जनता आज सफाई को लेकर दिक्कत आ रही है और जो अभी मैंने छः वार्ड में देखा है जिसमें पानी की समस्या बता रहे हैं जबकि पानी की समस्या है ही नहीं नया पाइपलाइन जो गया है उससे उनका कनेक्शन नहीं हुआ है जो मैं करवाने जा रही हूँ और कुछ पेंशन को लेके था कुछ राशन कार्ड को लेकर के है और इस तरफ जो है वो आवास को लेके भी है बट लेकिन आवास का इसलिए है क्योंकि लोगों के पास यहाँ पर रजिस्ट्री वाली जमीन नहीं है पट्टा नहीं है उनके पास तो अब देखते हैं इस पर कोई निराकरण करते हैं और जो तत्काल जो समस्याएँ हैं उसका निराकरण मैं यहीं पर कर रही हूँ प्रदेश में सरकार भी कांग्रेस की है उसके बाद भी काफ़ी समस्याएँ जनता बता रही है नुकसान नहीं होगा दो हज़ार के विधानसभा चुनाव में देखिए इसके पहले जो बैठे थे नगर पालिका में वो भाजपा के अध्यक्ष थे और वो उनका जो था तानाशाही था और उनका जो काम करने का तरीका था वो लोगों के बीच था ही नहीं और मैं अभी खुद लोगों के पास इसलिए जा रही हूँ और देख रही हूँ रूबरी हो रही हूँ सफाई देखिए मुझे बैठे अभी तीन चार महीने हुए हैं उसके पहले सफ़ाई इतनी जर्जर यहाँ पर की स्थिति मैं देख रही हूँ मैं खुद आई हूँ देखने के लिए तो उनको काम करना ही नहीं था ना इसलिए ये स्थिति निर्मित हुई है चूंकि कांग्रेस की सरकार है ये सरकार थोड़ी ना आता है भाई जमीन स्तर पर तो अध्यक्ष को जाना चाहिए पार्षदों को जाना चाहिए जो स्थिति नहीं थी उनके साथ और उन्होंने ऐसा स्थिति निर्मित किया है जिसको मैं सुधारने के लिए निकली हूँ प्रधानमंत्री आवास से कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ अलग हो गया तो कहीं ना कहीं इसका लाभ जो है शहरी इलाकों में कांग्रेस को नहीं होगा नहीं देखिए अभी यहाँ पर जो नया पारा हमारा जो पटरी के इस पार की जो आधी बस्ती है वो आ, जो है लीगल नहीं है जो लोग बसे हैं कहते हैं कि यहाँ पर जो कब्जा बेस पे लोग हैं जिनके पास पट्टा नहीं है नियमता तो ऐसे लोगों को मकान बना के देना क्योंकि रूल नहीं है नियम नहीं है भाई किसी के जगह पर अगर आप कब्जा करके बनाते हैं तो उनको कैसे आवाज़ देंगे दिक्कत हुआ पालिका में कहीं ना कहीं कांग्रेस का कब्जा है तो 2023 में क्या कांग्रेस को फायदा होगा फिर से एक बार कांग्रेस के विधायक आएंगे चुन के शहर में बिल्कुल बिल्कुल आएंगे ए, अभ, अभी क्या आने वाले क्या आने वाले पांच साल के बाद भी आ, कांग्रेस की सरकार आएगी और हम ऐसा काम करके दिखाएंगे इसलिए तो हम नियम से जो कांग्रेस पार्टी का जो है हमारे राहुल जी जो खुद लोगों के पास जा रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं वैसे ही हमारे मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी भेंट वार्ता के माध्यम से लोगों के पास जा रहे हैं भेंट मुलाकात कर रहे हैं और उन्हीं के नेतृत्व में माननीय विधायक महोदय के नेतृत्व में मैं खुद लोगों के बीच भेंट मुलाकात करने वार्ड में निकली हूँ ये है राशि त्रिभुवन महिलांग जी जिनका साफ कहना है कि वे जनता के बीच जारी जनता की समस्याएं सुन रहे उनका निराकरण कर रही है और इसका फायदा 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार को होगा महासमुंद की राजनीति में डॉक्टर विमल चोपड़ा एक जाना पहचाना नाम है बगैर उनके जो है यहाँ की राजनीति नहीं हो सकती वे नगर पालिका के अध्यक्ष रह चुके हैं इससे पहले विधायक भी रह चुके हैं और अभी हमारे साथ डॉक्टर विमल चोपड़ा है हम उनसे ही सीधे रूबरू होते हैं सर सबसे पहले तो आपका आई में स्वागत है धन्यवाद नमस्कार एक चार साल का कार्यकाल बीत चुका है इस सरकार के कैसे देखते हैं पूरे कार्यकाल को सरकार के और यहाँ के विधायक के कार्यकाल को देखिए मैं ये कहूँ कि दस में से कितना नंबर देना है तो ये माइनस में जाएंगे आज जिस प्रकार से हमारे महासुंद विधानसभा की स्थिति है और विधायक की स्थिति है सिर्फ और सिर्फ जो है इस विधानसभा में अवैध शराब की बिक्री हो रही है अवैध रेत का उत्खनन हो रहा है अवैध कब्जे हो रहे हैं जिसमें सारे के सांग, सारे कांग्रेसी लिप्त हैं जनहित के मामलों को लेकर के उन्हें किसी प्रकार का कोई सरोकार नहीं है लगातार देखने में आ रहा है ना तो विधायक महोदय गांव में जा पा रहे हैं न विधायक लोगों से जनसंपर्क कर पा रहे हैं और मेरे को तो लगता है कि एक व्यक्ति भी इस विधानसभा में ऐसा मिल जाए जो विधायक के कार्यकाल से संतुष्ट है तो बहुत बड़ी बात हो यदि हम जन घोषणा पत्र की बात करें तो कितनी जो उनकी घोषणाएं थी वह पूरी हुई हैं विधानसभा में मेरे को लगता है कि विधानसभा स्तरीय जो जन घोषणा पत्र उनका था उसमें एक भी घोषणा उनकी पूरी नहीं और यदि महासंध विधानसभा में देख लिया जाए तो आज जितने उद्घाटन और भूमि पूजन हो रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल के कार्य हैं जिनका वो उद्घाटन कर रहे हैं या भूमि पूजन कर रहे हैं उनके कार्यकाल का एक भी काम नहीं है जिसका वो भूमि पूजन या उद्घाटन कर रहे होंगे साथ ही मैं ये बता दूं कि जितने भी कार्य हो रहे हैं इस विधानसभा में वो सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड से हो रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट का एक रुपए भी यहाँ काम के लिए लग जाए तो वो बहुत बड़ी बात है चाहे नगर क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो हर क्षेत्र में विधायक के पास कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको वो बता सकें बल्कि जनता में एक आक्रोश है कि कब जल्दी चुनाव आए और कब वो बटन दबाएं और कब इस विधायक और इस सरकार को हटवाएं। 2023 में बड़ा मुद्दा होगा सराब जी बिल्कुल बड़ा मुद्दा होगा इसके साथ साथ सरकार ने जो छत्तीस वादे किए थे उसमें एक वादा भी सरकार ने पूरा नहीं किया ना शराब बंदे हुई है न जो चीट फंड कंपनी उनके पैसे वापस हुए हैं न निराश्रितों के पेंशन में कोई वृद्धि की गई है न भूमिहीनों को भूमि दी गई है न डेली वेजेस के जो कर्मचारी है वो परमानेंट किए गए हैं न ही खेतीहर मजदूरों को जो शहर में रहते हैं उनको किसी प्रकार से कोई राशि जो है ये सरकार नहीं दे रही है और जो ये सरकार बता रही है कि नरवा गरवा घुरुआ वाड़ी उसमें भी ये सरकार पूर्णतः असफल है और आज भी आपको गाय जो है गरवा जो है वो सड़क में दिख जाएंगे एक भी नाले का बंधान नहीं हुआ है एक भी घुरुआ जो है वो आज आपको ऐसा नहीं दिखेगा जो परिष्कृत हुआ है इस प्रकार से ये सारी चीज़ें जो है सरकार की फेल है और ये सरकार पूर्णतः जिसको कहूँ कि फेल है विधायक कह रहे हैं किसान खुश हैं किसानों की कर्ज माफी हो विधायक आ, किसानों से जो धान खरीदी हो पच्चीस सौ में इसके अलावा जो है अभी धान खरीदी का सीजन भी चल रहा है तो बता रहे कहीं से भी कोई समस्या नहीं कोई शिकायत नहीं तो कह, कहीं ना कहीं जो है चारों ओर जो है किसान जो है इस सरकार से खुश है तो कैसे निपटेंगे इस सरकार से आप कर्ज माफी का जो वोट था वो सरकार को मिल चुका है उसमें भी बहुत सारे लोग आज भी भटक रहे हैं कि उनकी कर्ज माफी नहीं हुई ये पच्चीस दे रहे हैं पाँच रुपए किसान का खा रहे हैं केंद्र सरकार ने जब इन्होंने घोषणा की थी 2500 उसके बाद से लगभग लगभग साढ़े चार सौ रुपए जो है वो समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है आज धान का मूल्य जो होना चाहिए था वो तीन हजार रुपए क्विंटल होना था आपने पांच सौ रुपये जो केंद्र सरकार ने दिया वो अपनी जेब में डाल दिया अब किसान का जो समर्थन मूल्य का पैसा केंद्र सरकार ने बढ़ाया है उसको क्यों अपने जेब में डाल रहे हैं किसान तक क्यों नहीं पहुंचने दे रहे हैं आप महासमुंद में भाजपा की ओर से चेहरा कौन होगा और इसके अलावा जो प्रदेश में भाजपा की ओर से चेहरा कौन है देखिए यह सब पार्टी का निर्णय होता है पार्टी की जो कमेटी है वह बैठती है कि पार्टी जिसको भी महासंघ विधानसभा से टिकट देगी भारतीय जनता पार्टी की वह चुनाव लड़ेगा और वो जीतेगा उसी प्रकार से प्रदेश का चेहरा कौन होगा ये भी भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो है और बैठकों में ये विचार विमर्श के बाद तय होगा कि कौन चेहरा होगा और कौन लड़ेगा लेकिन ये तय है इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी है और जिले में चारों विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के विधायक चुने जाने हैं निश्चित रूप से यह थे डॉक्टर विमल चोपड़ा और इनका साफ कहना है कि आने वाले चुनाव 2023 में यहाँ पर जो है चारों सीट जो है भाजपा अपने कब्जे में लेगी और साथ ही साथ जो है सरकार बनाएगी लेकिन चेहरा कौन होगा यह जो है शीर्ष नेतृत्व तय तो करेगा नमस्कार आई एन एच ट्वेंटी फोर की खास पेशकश तेईस की परिक्रमा में आपका स्वागत है आज हम हैं महासमुंद विधानसभा की सीट पर जहां से विधायक हैं विनोद सेवन चंद्राकर और इनके पास स्वास्थ्य विभाग के संसदीय सचिव का प्रभार भी है हम सीधे उनसे ही रूबरू होते हैं सर सबसे पहले तो आपका आई में स्वागत है नमस्कार तेईस के रण को लेकर जो है तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं चार साल का आपका कार्यकाल बीत चुका है तेईस के रण को कैसे पार करेंगे आप देखिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी लगातार किसान हित में जनता के हित में सभी वर्गों के हित में जो काम कर रहे हैं सरकार बनते ही किसानों का कर्जा माफ किए साढ़े नौ हज़ार करोड़ का उसके बाद फिर आज धान का जो खरीदी हो रहा है पच्चीस सौ का वादा था पच्चीस सौ से बढ़ के आज हम लोग छब्बीस सौ चालीस और छब्बीस सौ साठ में धान की खरीदी कर रहे हैं और लगातार जारी है पिछले पंद्रह सालों में आप देखे होंगे कि किसानों को ठगा गया चाहे वो धान का समर्थन मूल्य बढ़ाने के नाम पर हो चाहे वो कहा जाए तो बोनस जो देने की बात करते गए दो साल आ, पिछले 2008 में जब घोषणा में था कि दो सौ बोनस देंगे लेकिन दो सौ बोनस दे भी नहीं किए पूरे साल उसके बाद 2013 में बात की है कि इक्कीस में धान खरीदी करेंगे और तीन सौ बोनस देंगे तीन साल दिए दो साल नहीं दिए तो हमेशा किसानों को ठगते रहे उनके कार्यकाल में तो पंद्रह साल में किसान आत्महत्या करते रहे आज हमारी सरकार लगातार किसान हित में काम करते गई तो उसका फायदा निश्चित रूप से वैसे भी हमारा जो महासमुंद विधानसभा है वो कृषि आधारित जिला है और कृषि आधारित तो मैं खुद व्यवसाय करता था तो किसानों के हित के लिए जो फैसले हुए तो निश्चित रूप से किसान किसानों में खुशी है तो निश्चित रूप से इससे हमको फ़ायदा मिलेगा और आने वाले चुनाव में हम लोग भारी बहुमत से जीतेंगे कांग्रेस पार्टी इसमें जीती ये कहीं ना कहीं जो है चार साल में आपने काफ़ी कार्य किए हैं ऐसे कोई तीन कार्य होंगे जो आपके तेईस के लिए जो है मिल का पत्थर साबित होंगे आपके जीत का मार्ग प्रशस्त करेंगे ऐसे कोई तीन कार्य के सबसे पहले तो मैं महासउंड में मेडिकल कॉलेज खुलना बहुत बड़ी सौगात है माननीय भूपेश बघेल जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि बहुत बड़ा वो उन्होंने हमको सौगात दिया है ये अपने लिए मिल का पत्थर साबित होगा दूसरा आज ओवरब्रिज निर्माण हम कम्प्लीट कर लिए और किसान जो बेसिकली यहाँ यहाँ का जो व्यवसाय है किसानी के ऊपर है और किसान लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं तो बड़ा पैसा तो इनको गया है ना तो सिंचाई व्यवस्था को हम दुरुस्त किए तो ये हमारे लिए बिल का पत्थर स्थापित होगा और बाकी शिक्षा के क्षेत्र में कहा जाए तो हम चिरको में महाविद्यालय का नया बिल्डिंग बनने जा रहे हैं हम चिरको में वहाँ कापा में एग्रीकल्चर कॉलेज खोल दिए ये कहीं ना कहीं जो है भाजपा भी अब आक्रामक मोड़ में है लगातार उनके कार्यक्रम हो रहे हैं धरना प्रदर्शन हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक हिंदुत्व का कार्ड भी खेलती है क्या लगता है कि महासमुंद में कार्ड चलेगा क्योंकि महासमुंद में यदि बात करें जिले की तो चारों सीट कांग्रेस के पास है कितना मतलब असरकारी रहेगा बीजेपी का देखिए उनके कथनी और कन्नी में अंतर होता है बात करते हैं धर्म की धर्म के नाम में राजनीति करना इनका तो पुरानी फितरत है मेरे ख्याल से हम मैं तो खुद पूजा पाठ वाला व्यक्ति हूँ धर्म का प्रचार प्रसार तो मैं आज नहीं मैं राजनीति में आने से पहले आज से पच्चीस साल से पुराना धर्म क्रम करने वाला व्यक्ति हूँ अब ये देख लो ये उदाहरण है कि आज अगर यहाँ पे टीका लगा हुआ है ये डेली का है आप आए होंगे तो नीचे मैं गाय को रोटी देने जा रहा था आप देखे होंगे देखे होंगे तो ये धर्म तो अपना खुद का विषय रहता है राजनीति करने का विषय नहीं है और राजनीति करने वाले तो मान के चलो कर रहे हो गलत है ये 2023 के चुनाव में आप जाएंगे चेहरा क्या होगा और आपके मुद्दे क्या होंगे देखिए मैं सबसे पहले तो मैं युवाओं से जुड़ा हूँ युवाओं की बात करते रहता हूँ मैं चुनाव जीता उस दिन मेरी प्राथमिकता आप लोगों ने पूछा था मीडिया के साथियों ने तो मैं बोला था कि मैं सबसे पहले बेहतरी के लिए काम करूँगा तो शिक्षा को दूसरा मैं सिंचाई को चूँकि मैं उस व्यवसाय से जुड़ा हूँ किसान का बेटा हूँ तो यहाँ का व्यवसाय अगर तगड़ा होगा तो निश्चित रूप से आदमी व्यवसाय करने में बिजी होगा जहाँ धाम नहीं है तो भुखमरी और उसके बाद फिर बहुत सारे दुष्परिणाम भी आते हैं कि बच्चे दूसरी तरफ भागते हैं उसका दुष्परिणाम देखने, देखने को भी मिला कई जगह जहाँ काम धंधे नहीं है यहाँ टोटल किसानी बेस लोग रहते हैं तो किसान की व्यवस्था को हम लोग अच्छा कर रहे हैं ये जन घोषणा पत्र की बात करें तो भाजपा लगातार आरोप लगा रही है कि वादे पूरे नहीं किए खासकर जो है शराबबंदी एक बड़ा मुद्दा है क्या लग रहा है शराबबंदी हो पाएगी या नहीं हो देखिए मैं अभी तक इस उम्र में कम से कम 18-20 लोगों को दारू छुड़वा चुका हूँ लेकिन क्या होता है कि जब तक सामने वाला ना चाहे या एक, एक, एक ये तो सामाजिक बुराई है इसमें खुद को तैयार होना पड़ेगा हम लोग देखें ना लॉकडाउन में बंद हुआ लेकिन क्या हुआ महुआ का घरों घर दारू शुरू हो गया था तो सामाजिक चेतना चेतना लाना पड़ेगा कोशिश कर रहे हैं लेकिन धीरे धीरे कोशिश भी हो रही है बंद करने की यानी ये मान के अच्छे कि मतदाता एक बार आपको फिर से लाना चाहती है आपके काम की बदौलत तो हम लोगों के बीच में जा रहे हैं इस कारण विश्वास है कि जनता हमको मौका देगी और हम तो जनता के हित के लिए काम कर रहे हैं तो ये थे विधायक विनोद सेवन लाल चंद्रा का जिनका साफ कहना है कि उन्होंने पिछले चार साल में जो है खुद के लिए कुछ भी समय नहीं निकाला को दिया उन, तो महासमुंद विधानसभा सीट की दो की परिक्रमा महासमुंद सीट पे जो है शराबबंदी अवैध शराब अवैध रेत खनन ये तमाम मुद्दे जो है विपक्ष की ओर से उछाले जा रहे हैं दूसरी ओर सत्ता पक्ष के विधायक विनोद चंद्राकर का कहना है कि उन्होंने तमाम जो वादे किए थे वे पूरे किए हैं खासकर जो किसानों को बड़ा लाभ दिलाया और इसका लाभ जो उन्हें 2023 में मिलेगा अब देखने वाली बात है कि जनता अपना मूड क्या बनाती है कैमरामैन रिजवान कुरैसी के साथ मनोज नायक आई न्यूज़ रायपुर